Hi viewers. Today I'm going to record a video for the Australian immigration. This video will let you know how to calculate the points for the points tested base visa or skill migration to Australia. ये मेरे पास पोर्टल है होम अफेयर्स का. दिस इज ऑफिशियल पोर्टल फॉर द ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन. इस पोर्टल पे मेरे पास ये कुछ वीजाज हैं. इन वीजाज को स्किल्ड पॉइंट्स टेस्टेड बेस्ड वीजाज या स्किल्ड वीजाज कहा जाता है. इसमें मेरे पास क्लास 189 है, क्लास 190 है, क्लास 489 है और क्लास 491 है. 489 क्लास जो है अभी इसको ख़त्म कर दिया गया है एंड दिस क्लास हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय 491. ओके, नाउ वी हैव 189, 190 और 491. इस क्लास के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, आपको 189 क्लास के थ्रू अगर आपको पीआर आता है, आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी लैंड कर सकते हैं एंड यू कैन स्टे एंड वर्क एनी वर इन साइड ऑस्ट्रेलिया. अगर आप 190 के थ्रू अप्लाई करते हैं, 190 स्टेट स्पॉन्सर्ड क्लास है. इस क्लास के थ्रू जिस स्टेट से आपको वीज़ा आएगा उस स्टेट में आप कुछ लिमिटेशन हैं, उस स्टेट में आपको रहना पड़ेगा, उसके बाद आप कहीं भी मूव कर सकते हैं. 491 जो क्लास है ये स्किल्ड रीजनल प्रोविजनल वीज़ा है. इस क्लास के थ्रू अगर आप वीज़ा लेते हैं तो आपको 491 क्लास के थ्रू 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं. आई थिंक 10 या 15, 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते, कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं. बट आपको इसमें एक लिमिटेशन ये है कि आप उस रीजन में कुछ टाइम गुजारेंगे और उसके बाद फिर आप एनी वेयर इन साइड ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम चलते हैं पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं. लेट्स, पहले मैं आता हूँ 189 पे. अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, उनकी बेस पे आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे. एज है, डिग्री, एक्सपीरियंस और एजुकेशन. इसके अलावा अगर कुछ और फैक्टर्स भी हैं, अगर इन चार फैक्टर्स या पांच फैक्टर्स की बेस पे आपके पॉइंट्स जितने मैक्सिमम होंगे देन यू विल गेट द इनविटेशन, और ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो इनविटेशन आने के चांसेस ज्यादा होंगे. सो पहली चीज है एज है. लेट सपोज मैं एज चूज करता हूँ 25 से लेके 33. इस केस में एज के मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं, 30 पॉइंट्स एज के होते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज पे आते हैं, अगर मैं स्पीड चूज करता हूँ 20 पॉइंट्स मुझे यहाँ से मिलेंगे. मैं वन बाय वन चूज कर रहा हूँ, लास्ट में आपको एक टेबल शो होगा जो कि पूरा ब्रेक डाउन होगा पॉइंट्स का. अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से बाहर काम किया हुआ है, आप ऑफशोर हैं, ऑफशोर मीन्स आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, अगर एक्सपीरियंस 8 साल का है तो मैं यहाँ पे 8 साल चूज करता हूँ. आपने ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं किया, इसको आप 1 आर लेस कर दें. क्वालिफिकेशन पे आ जाएं, बैचलर्स किया हुआ है इसको क्लिक करें बैचलर्स को. अगर आपके पास जो डिग्री है आपने ऑस्ट्रेलिया में स्टडी किया तो ठीक है, वरना इसको नो करें. अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा हुआ है इसको यस करें, अदरवाइज इसको नो करें. क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज, ये एक एग्जाम है, टेस्ट है, प्रोफिशिएंसी एग्जाम है जो कि कंडक्ट होता है नाटी से. नाटी एक इदारा है विच इज नोन एज ये नाटी है, नेशनल एक्रेडिएशन अथॉरिटी फॉर ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स. ओके, नाटी स्टैंड्स फॉर दिस. ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का इदारा है और ये जज करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं. लेट्स सपोज मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैंने नाटी देना है उर्दू में, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा एग्जाम कंडक्ट होगा. कोविड से पहले ये एग्जाम ओनली इनसाइड द ऑस्ट्रेलिया होता था. इस एग्जाम को अगर आप पास करते हैं आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, और यहाँ पे अगर आप आते हैं देखें ये लिखा हुआ है, द क्रेडेंशियल्ड कम्युनिटी लैंग्वेज टेस्ट इज एन असेसमेंट ऑफ योर लैंग्वेज एबिलिटीज एट ए कम्युनिटी लेवल. ओके, The CCL test is generally taken by the applicants who are looking to lodge a points-based visa application. Points-based visa applications mean class 189, 190, 491.
ऑन सक्सेसफुली पासिंग द टेस्ट एप्लीकेंट्स आर अवार्डेड 5 पॉइंट्स टुवर्ड द स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा सब क्लास 189, स्किल्ड नॉमिनेटेड वीजा 190 एंड स्किल्ड रीजनल वीजा 489, बट ये अभी 491 हो चुका है, ठीक है। सो मैं टेस्ट फॉर्मेट मेरे पास पड़े हुए हैं, उनके तमाम के लिंक्स मैं आपको अपने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में सेंड करूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। टेस्ट बहुत इजी होता है, आप अगर आप तैयारी करते हैं आप इजीली पास कर सकते हैं इसको। और इस टेस्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, फेस टू फेस टीचर जो है वो आपसे बात करेगा, दो टीचर्स होंगे, एक इंग्लिश में बात करेगा, आप उसको अंडरस्टैंड करके उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो दूसरा उर्दू में उसको सुन के मार्किंग देगा, ठीक है। इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश आपकी कम्युनिकेशन होगी। ये टेस्ट अगर उर्दू में है, लाठी आपने उर्दू में किया हुआ है, तो ये टेस्ट इस चीज को एनालाइज करेगा कि इंग्लिश को आपने किस लेवल तक अंडरस्टैंड करके उर्दू में ट्रांसलेट किया है और उर्दू को किस लेवल तक अंडरस्टैंड करके आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। 5 पॉइंट्स आपको नाटी से मिलते हैं। अब चलते हैं पॉइंट्स कैलकुलेटर की जानिब। ये मैं यस करता हूँ, 5 पॉइंट्स मेरे प्रोफाइल में ऐड होंगे, ठीक है। अगर आपने नाटी पास किया है देन आपको इस तरह की सर्टिफिकेशन दी जाएगी नाटी से। ये नाटी का मेरे पास पीडीएफ फाइल है और ये कह रहे हैं कि भाई मुझे एड्रेस कर रहे हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ नाटी वी आर राइटिंग टू यू टू कंफर्म दैट यू हैव सक्सेसफुल यू हैव बीन सक्सेसफुल इन पासिंग द सीसीएल टेस्ट इन उर्दू। अगर आपने किसी भी लैंग्वेज में किया है, आप हिंदी में दे सकते हैं, आप पंजाबी में दे सकते हैं, आप पश्तो में दे सकते हैं, आप फारसी में दे सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। आपकी मदर टंग क्या है, आपको किस लैंग्वेज पे कितना बोर है, उसके अकॉर्डिंग आप ये एग्जाम पास कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो वैलिडिटी है 3 ईयर्स की है, 3 ईयर्स के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। और ये टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट होता है, बाकायदा आप नाटी के पोर्टल पर जाएं, आप फीस पे करें और आपको आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, आप पासपोर्ट अपलोड करेंगे, आप उनको रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। जब आप उनको रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे विद इन 5 डेज वो कंफर्म करेंगे यस यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम। आप कुछ फीस पे करेंगे, आई थिंक इसकी जो फीस है अराउंड अराउंड 700 और 800 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, वो फीस आप पे करेंगे। तो आपका जब एग्जाम होगा विद इन आफ्टर सम टाइम यू विल गेट योर रिपोर्ट योर रिजल्ट योर स्कोर कार्ड लाइक दिस पीडीएफ इन पीडीएफ फॉर्म। इस रिजल्ट स्कोर कार्ड को आप जो है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इट विल गिव यू 5 पॉइंट्स, ओके। अब आते हैं, अगर ये किया तो इसको यस करें और अगर आपने स्टडी किया हुआ ऑस्ट्रेलिया में यस, अदरवाइज इसको नो करें। पार्टनर स्किल्स, ठीक है। अब पार्टनर स्किल्स पे आते हैं, अगर यहाँ पे आपकी जो अगर आप सिंगल हैं ओके, तो आप इसको चूज करेंगे, आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप सिंगल नहीं हैं फिर यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, या तो आपकी जो पार्टनर है उनके पास ओनली आयल्स है और उनका लेवल है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट लेवल मीन्स आयल्स 6 इन ईच, 6 6 6 6, आइदर जीटी और एकेडमिक, लिस्टिंग 7, रीडिंग 7, राइटिंग 7 एंड स्पीकिंग 7। अगर आपकी पार्टनर आयल्स में ये स्कोर लिया है इसको आप चूज करेंगे और यहाँ से आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी वाइफ ने इंग्लिश एग्जाम में 6 इनिश लिया हुआ है, अदरवाइज इसके अलावा स्किल क्राइटेरिया इट्स मीन उन्होंने अपनी डिग्री को उनकी उसकी डिग्री की स्किल असेसमेंट भी की हुई है। लेट्स सपोज अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, इन माई केस इफ आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और मेरी जो असेसमेंट बॉडी है या जो ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट असेसमेंट बॉडीज हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, तमाम प्रोफेशंस की तमाम हर एक प्रोफेशन की एक अलग बॉडी है जो कि डिग्री को एक्सेप्ट करती है और उसकी बेस पे एक रिपोर्ट जनरेट करती है, ठीक है। लेट सपोज आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल नाउ, मेरे पास एक यहाँ पे एक फाइल है, आई विल शो यू। लुक वी हैव वन ऑक्यूपेशन कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम इंजीनियर,
ये इस ऑक्यूपेशन का ऑक्यूपेशन कोड है, ऑक्यूपेशन आईडी है, ACS. ACS स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी. अब आप लेट्स सपोज इंजीनियर हैं, आपकी डिग्री कहीं कहीं से आपने पढ़ा हुआ है, चाइना से, मलेशिया से, इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ से भी आपने स्टडी किया है, आपकी बैचलर्स की डिग्री है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की. सो उस डिग्री को आपने ऑस्ट्रेलिया में किस बॉडी से एक्सेस करवाना है, किस बॉडी को सेंड करना है, वो बॉडी फिर आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देगी. वो अगर आपकी डिग्री कंप्यूटर की है, अगर कंप्यूटर इंजीनियर हैं आप और नेटवर्क इंजीनियर हैं, जो भी हैं, अगर डिग्री आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, तो आपकी जो असेसमेंट बॉडी है वो है ACS, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी. अगर आप इंजीनियर हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हैं, नेटवर्क इंजीनियर हैं, जो भी हैं, इस केस में आपकी जो बॉडी है, असेसमेंट बॉडी, वो है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, अगर ये आपका ऑक्यूपेशन है, ये ऑक्यूपेशन आईडी है, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन आईडी, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन आईडी. अगर मैं नर्सेस पे जाता हूँ, लेट्स सपोज नर्स, ये है रजिस्टर्ड नर्सेस, ऑक्यूपेशन आईडी 254499, ANMAC, ये इसकी एक्सेसिंग बॉडी है. ठीक है, अगर मैं टीचर्स पे जाता हूँ, लेट्स सपोज टीचर्स, आर्ट टीचर्स, ऑक्यूपेशन आईडी, ये है इनकी असेसमेंट बॉडी. जो भी ऑक्यूपेशन, जितने भी ऑक्यूपेशन हैं, ठीक है, अगर ये ऑस्ट्रेलिया का प्लान कर रहे हैं, इनका स्टेप नंबर वन ये होगा कि अपनी डिग्री, एक्सपीरियंस, आइलेट्स, लैंग्वेज एग्जाम्स को इन बॉडीज को सेंड करेंगे, इन बॉडीज के पोर्टल पे जाएंगे, फीसिस सबमिट करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे. उसके बाद ये तमाम बॉडीज एक रिपोर्ट जनरेट करके देंगी उस ऑक्यूपेशन को, उस कैंडिडेट को, और उस रिपोर्ट की बेस पे वो कैंडिडेट दोबारा से फिर EOI क्रिएट करेगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करेगा. ठीक है, स्टेप नंबर वन फॉर ऑस्ट्रेलिया ये है कि आपकी जो भी असेसमेंट बॉडी है, आप उससे कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट करके आप ये देखें कि मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है. ऑस्ट्रेलिया अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया का प्लान कर रहा हूँ, तो मेरे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग मेरी असेसमेंट बॉडी क्या बन रही है. ठीक है, हर एक असेसमेंट बॉडी की अलग रिक्वायरमेंट है, इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की अलग है, ACS की अलग है. लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की, ओके, लेट सपोज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इंजीनियर की बात करूंगा या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर की बात करूंगा, यहाँ पे जो असेसमेंट बॉडी है वो है इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया. अगर आप इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाते हैं, लेट सपोज आई एम गोइंग टू द साइट ऑफ इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया, ये है पोर्टल. ठीक है, अब आप अप्लाई करते हैं माइग्रेशन स्किल असेसमेंट के लिए. ओके, सो माइग्रेशन स्किल असेसमेंट के लिए अगर आप ओवरसीज हैं, तो डिफरेंट स्टेप्स हैं. आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आपके पास आयल्स होगा. आयल्स के बाद भी कुछ चीजें हैं, CDRs, लेट सपोज CDRs, MS वर्ड में कुछ फाइल्स हैं, कुछ समराइज इंफॉर्मेशन है जो आपने फिल करनी होगी और आपने इनको सबमिट करनी होगी. ठीक है, उस तमाम इंफॉर्मेशन की बेस पे इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया आपको आउटकम देगा, और वो आउटकम आप यूज करेंगे व्हेन यू विल प्लान, और जब आप EOI सबमिट करेंगे या आप ऑस्ट्रेलिया का प्लान करेंगे. लेट सपोज मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट है मेरी. इस रिपोर्ट में लेट सपोज दिस इज माय रिपोर्ट, दिस इज माय आउटकम, और दिस इज माय आउटकम, ये मेरा ACS का आउटकम है. ये देखिए आप, ACS का आउटकम है मेरा. मैं आपको शो कर रहा हूँ अभी इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया का आउटकम. ये आउटकम लेटर है, ठीक है, अब इस पे जाके ये मुझे इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया ने सेंड किया था 6 अप्रैल 2018 में. इट्स एक्सपायर्ड नाउ, इसकी 2 इयर्स वैलिडिटी है. और ये मैंने जब अप्लाई किया, मैंने डिग्री अपनी अपलोड की उनके पोर्टल पे, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड की, वर्क एक्सपीरियंस अपलोड किया,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपने CDRs अपलोड करनी है। CDRs MS वर्ड फाइल्स हैं, उस उन फाइल्स में आपने कंप्लीट अपनी वर्क हिस्ट्री मेंशन करनी है, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, क्या काम किया है, सक्सेसफुल स्टोरीज क्या क्या हैं आपके करियर में, आपने किन किन कंपनीज में काम किया है, ठीक है। यू विल मेंशन एवरीथिंग, मेक श्योर कीजिएगा किसी और कैंडिडेट की CDR आपसे मैच ना करे, बिकॉज अगर CDRs मैच करेगी ड्यू टू प्लेगरिज्म आपको बैन करेगा इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया फॉर सम टाइम, देन आप अप्लाई दोबारा नहीं कर सकते। तो आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, इट डजेंट मैटर आपकी इंग्लिश कैसी है, आपके ग्रामर कैसी है, नो नीड टू वरी, जस्ट आप मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ, मैं आपको सैंपल्स भी दे सकता हूँ, बट आपने मेक श्योर करना है कि आपने वर्ड्स में और अपने अल्फाज में आपने इसको लिखना है, ठीक है। आप इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया के पोर्टल पे जाएंगे, आपको वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है स्किल असेसमेंट के लिए, ओके। ओके, नाउ गो टू अगेन, हम पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे स्किल असेसमेंट। अब इस केस में आपने चूज किया है वाइफ के पास इंग्लिश लैंग्वेज भी है और उनका स्किल असेसमेंट का आउटकम भी है। अगर वाइफ ने भी इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से असेसमेंट करवाई है और आपने भी इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से असेसमेंट करवाई है, इन दैट केस वाइफ आपको 10 पॉइंट्स देगी, ओके। डू यू हैव डिड यू कंप्लीट ए प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया, इसको नो करें। आपके पॉइंट्स की समरी है, एज 30 कब होगी, जब एज की रेंज 25 और 32 के दरमियान होगी, तो एज के आपको 30 पॉइंट मिलेंगे। इंग्लिश के 20 पॉइंट कब मिलेंगे, जब आपका 8 बैंड इन ईच होगा, लिसनिंग 8, रीडिंग 8, राइटिंग 8 एंड स्पीकिंग 8, वर्क एक्सपीरियंस आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, जब आपका एक्सपीरियंस 8 ईयर से 8 से ज्यादा होगा, ऑस्ट्रेलिया से बाहर आपने काम किया, आप ऑफशोर हैं आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, देन 15 पॉइंट एक्सपीरियंस के हैं। एज के पॉइंट 30, इंग्लिश लैंग्वेज के 20, चाहे वो PTE हो, चाहे OET हो, TOEFL हो, CAE हो और IELTS हो, 20 पॉइंट उसके। वर्क एक्सपीरियंस आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया 15 पॉइंट, वर्क एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया 5 पॉइंट। इसको मैं जो है नो करता हूँ, बिकॉज आई डिडेंट वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, ये 0 हो गया। अभी क्वालिफिकेशन बैचलर्स है 15 पॉइंट, क्वालिफिकेशन बैचलर्स के 15 पॉइंट तब मिलेंगे जब आप अपने स्किल असेसमेंट करवाएंगे इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से, और वो क्लियरली आउटकम पे मेंशन करेगी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स है इंजीनियरिंग में, और वो मीट करती है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनल स्टैंडर्ड को, ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन को, तो आपको 15 पॉइंट फिर क्लेम होंगे आपके। आपकी मर्जी है, आप स्किल असेसमेंट करवाते हैं उसमें एक्सपीरियंस प्लस डिग्री दोनों को क्लेम करवाएं, या ओनली डिग्री को क्लेम करवाएं। एक्सपीरियंस को बाद में भी क्लेम किया जा सकता है, जब वीजा ऑफिसर असाइन होता है आपको, उस केस में वो जब वेरिफिकेशन करता है, क्रॉस चेक करता है आपके डॉक्यूमेंट्स को, इन दैट केस आपकी पे स्लिप्स, आपके टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, आपके एम्प्लॉयर जो भी रेफरेंस लेटर्स हैं उनको क्रॉस चेक करके वो वेरीफाई तब कर सकता है, नो इश्यू। बट ओनली डिग्री अगर आपने एक्सेस करवानी है, आप ओनली डिग्री भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखें यहाँ पे CCL मैंने चूज किया था, कम्युनिटी लैंग्वेज CCL, 5 पॉइंट उसके मिले हैं। पार्टनर स्किल्स 10 पॉइंट है, अगर पार्टनर के पास दो चीजें हैं, IELTS 6 इन ईच और पार्टनर की जो स्किल असेसमेंट है वो, उसके 10 पॉइंट मिलेंगे आपको। अगर आप सिंगल हैं उस केस में भी आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर पार्टनर के पास ओनली 6 इन ईच है, डिग्री नहीं है, तब आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। टोटल पॉइंट्स आ रहे हैं 95, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है हूं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, और मेरे पॉइंट्स 95 बन रहे हैं, ठीक है। आप चलते हैं कट ऑफ पॉइंट्स पे, कट ऑफ क्या जा रहा है ये, सॉरी एक और पेज है, इस पे आप देखें जरा, ये एज के पॉइंट, एज का मैंने शो किया, एज के पॉइंट्स ये हैं, मैक्सिमम एज के पॉइंट्स आपको यहाँ मिलेंगे। लैंग्वेज, एक बात और माइंड में याद रखिएगा, जब आप स्किल असेसमेंट करवाएंगे इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से, तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया क्या क्या मांगता है, CDRs,
जो मैंने आपको बताया कि वर्ड पे आपने कंप्लीट डिटेल मेंशन करनी है, अपनी क्वालिफिकेशन की, अपनी वर्क एक्सपीरियंस की, आपने कहाँ कहाँ किस कंपनी में कितना सा काम किया है और क्या कर रहे हैं आप, फिर डिटेल। इसके अलावा IELTS 6 इन चाहिए। किसके लिए? स्किल असेसमेंट के लिए। जब भी आप इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से असेसमेंट करवाएंगे, आपको IELTS 6 इन देना होगा। IELTS 6 इन टॉफिल या PTE, ये 3 एग्जाम्स काउंट होंगे ओनली फॉर द स्किल असेसमेंट फ्रॉम इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया। अगर ACS से करवाएंगे, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी से करवाएंगे, अगर आप IT प्रोफेशनल्स हैं, तो उस केस में ACS डजंट आस्क फॉर द IELTS। लेकिन ACS की रिक्वायरमेंट कुछ और है, वो भी मैं वीडियो एक बना के अपलोड करूंगा, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर 6 इन है, ये है 6 इन, 0 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आप अगर आप प्रोफिशिएंट हैं, और प्रोफिशिएंट मींस अगर आपके पास 7 इन है, इन 7 इन इन दैट केस आपके पास जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे 10 पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपने 8 बैंड इन मॉड्यूल किया हुआ है, आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। कॉम्पिटेंट मीन्स 0, कॉम्पिटेंट मीन्स 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल, प्रोफिशिएंट मीन्स 7 बैंड इन ईच मॉड्यूल, सुपीरियर मीन्स 8 बैंड इन ईच मॉड्यूल। मैं आपको सुपीरियर लैंग्वेज का एक दिखाता हूँ, मेरे पास स्कोर कार्ड है यहाँ पे, सुपीरियर बैंड का ये स्कोर कार्ड है, ये देखें। अब ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, वो अगर आप पॉइंट्स क्लेम कर रहे हैं और अपने पॉइंट्स को रेज करना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेज के एग्जाम्स को वो एक्सेप्ट करता है। ये एग्जाम्स हैं सारे जिनको होम अफेयर्स एक्सेप्ट कर रहा है, IELTS, TOEFL, PTE, OET, C1 एडवांस इंग्लिश, ये है C1 एडवांस इंग्लिश, ठीक है। इसमें मेरे पास ये देखें, ये स्केल है कैम्ब्रिज का, जो कि स्टार्ट होता है 0 से और जाता है 210 पे, ठीक है। अगर आप IELTS आपने 8 बैंड इन इंच लिया हुआ है ना, IELTS 8 इन इंच, वो कैम्ब्रिज में 200 के इक्वल है। IELTS में 8 बैंड, कैम्ब्रिज में 200 स्कोर है। यहाँ देखें आप, 207, 206, 210, 206, यानी 8 बैंड इन इंच मॉड्यूल है मेरे पास, ठीक है। इस केस में C1 एग्जाम के केस में, ये है C1 एग्जाम, C1, 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 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा जाते हैं कैलकुलेटर पे, ये अब इसके बाद आपके पास ये ब्रेकडाउन बता रहा है कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से बाहर काम किया हुआ है, तो मैक्सिमम आपको पॉइंट्स एक्सपीरियंस के कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, 15 पॉइंट है अगर आपका एक्सपीरियंस 8 ईयर्स का है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपने एजुकेशन की हुई है और एजुकेशन में आप, ये ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस है, इसको इग्नोर करें, अगर आप ऑफशोर हैं तो यहाँ आ जाते हैं। एजुकेशन में बैचलर्स है तो 15 पॉइंट है, और अगर आपने PhD किया हुआ है तो उसके 20 पॉइंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, और यहाँ पे इसको नो करें, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में नहीं पढ़ा हुआ तो ये देखें, ये CCL आ गया, वो एग्जाम CCL, ओके, इसके 5 पॉइंट अगर आपने पास किया हुआ है। नेक्स्ट ये रहा पार्टनर, अगर आपके पास, अगर आप सिंगल हैं 10 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आप मैरिड हैं और पार्टनर के पास दो चीजें हैं, IELTS और स्किल क्राइटेरिया, स्किल क्राइटेरिया मीन्स स्किल असेसमेंट का आउटकम पढ़ा हुआ है, अगर आपने ACS से अपनी स्किल असेसमेंट करवाई है और आपकी पार्टनर ने भी ACS से करवाई है और पार्टनर के पास 6 इन है, पार्टनर आपको 10 पॉइंट देगी। यहाँ अगर पार्टनर के पास डिग्री नहीं है और ओनली 6 इन है, पार्टनर आपको 5 पॉइंट देगी। आप अगर सिंगल हैं, आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये पूरा पॉइंट्स ब्रेकडाउन है। अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ। कट ऑफ मीन्स के कितने पॉइंट पे इनवाइट आता है और कितने पॉइंट्स पे इनवाइट आने के चांसेस हैं, ठीक है। ये आ जाते हैं इनविटेशन राउंड पे, ये भी होम अफेयर्स का ही लिंक है, उसी में आप, अगर आप जाते हैं इनविटेशन राउंड पे जाएं, तो ये देखें कि हमारे पास पॉइंट्स टेस्टेड वीजा 3 है, 189 है, 190 और 491 है।
ये बात याद रखिएगा, अगर आप 189 के लिए जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 491 चूज करते हैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे और 190 से भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ जाते हैं। हमारे पास एक राउंड आया था, इनविटेशन राउंड, 21 अप्रैल 2022 को। उस इनविटेशन राउंड में जो क्लास 189 है उसके 1000 इनवाइट्स आए हैं और 491 के 500 इनवाइट्स आए हैं, यानी टोटल इनवाइट्स 1500 आए हैं, 189 के 1000 और 491 के 500। ठीक है, अब कट ऑफ पे चलते हैं। और कट ऑफ 189 जो क्लास है इसका कट ऑफ 85 रहा है और 491 का 65 रहा है। ठीक है, अब ये डिफरेंट ऑक्यूपेशन हैं। ओके, ये लेट सपोज हमारे पास एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट है, एक ऑक्यूपेशन है। ठीक है, वो एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट जिन्होंने क्लास 189 को चूज किया था उनको तो इनवाइट नहीं आया। ठीक है, दे आर नॉट इनवाइटेड, बट वो एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट जिन्होंने 491 क्लास को चूज किया था 65 पॉइंट्स पे उनको इनवाइट आया है इस इनविटेशन राउंड में। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप, केमिकल हैं, 65 पे इनवाइट आया है, इस 189 के लिए इनवाइट नहीं किया गया। आप केमिस्ट पे आ जाए, केमिस्ट को 90 पॉइंट पे कट ऑफ, 90 पॉइंट पे इनवाइट आया है 189 क्लास के लिए भी और 491 के लिए भी। 189 क्लास के लिए 90 पॉइंट पे इनवाइट आया है और 491 क्लास के लिए 70 पॉइंट पे इनवाइट आया है। ठीक, कब? 21 अप्रैल 2022 को जो इनविटेशन राउंड हुआ था उसमें। ठीक है, इस पूरे टेबल से आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है और किस क्लास में इनविटेशन आने के चांसेस हैं और कट ऑफ क्या है। ठीक है, ये पूरा टेबल आपको डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेगा और कि कट ऑफ क्या था, इनविटेशन राउंड कब हुआ है और किस क्लास में किस ऑक्यूपेशन को इनवाइट किया गया है, किस ऑक्यूपेशन को इनवाइट नहीं किया गया। ठीक है, ये पूरा एक आपको एक्सप्लेन करेगा ये। ठीक है, तो ये मेरे पास जो वीडियो मैंने बनाई है अभी आपके लिए, इसमें आपको बेसिकली मैंने ये डिस्क्राइब किया है कि हमारे पास, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का प्लान कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का, तुम्हारे पास क्लासेस 3 है, 189 है, 190 है, 491 है, जब आप ऑस्ट्रेलिया का प्लान करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप जब स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए, तो जो एलिजिबिलिटी है वो 65 पॉइंट है, यानी 60 पॉइंट अगर आपके होंगे तो आप ईओआई सबमिट नहीं कर सकते। मिनिमम पॉइंट 65 होंगे तो आप ईओआई सबमिट कर सकते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, और ये एलिजिबिलिटी है ईओआई सबमिशन के लिए कि यू मस्ट हैव 65 पॉइंट्स। अगर आप 189 को चूज करते हैं आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, आप 190 को चूज करते हैं आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, अगर आप वीजा क्लास 491 को चूज करते हैं आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, इस क्लास के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं और आपकी एप्लीकेशन पूल में पिक होती है, आपको इनवाइट आता है, आप वीजा लॉन्च करते हैं, आपको ग्रांट आती है, आप ट्रेवल करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी लैंड करें, ठीक है, आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस 190 क्लास के थ्रू अगर आप जाते हैं, ये क्लास आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा देगी। इस क्लास के थ्रू आपको जिस स्टेट से, तस्मानिया हो गया और या न्यू साउथ वेल्स है, जहां से भी आपको नॉमिनेशन आती है, उस स्टेट में आप कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और टाइम स्पेंड करने के बाद फिर आप मूव कर सकते हैं एनीवेयर इनसाइड ऑस्ट्रेलिया। तीसरी क्लास 491 है, ये क्लास आपको 15 पॉइंट एक्स्ट्रा देती है। इस क्लास के थ्रू अगर आपको नॉमिनेशन आती है, आप एक टेरिटरी में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, उस टाइम के बाद आप कहीं भी मूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये भी मेरे पास एक पोर्टल है, इससे आप पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वही प्रोसीजर है, एज के पॉइंट्स मैक्सिमम आपको यहाँ मिल रहे हैं, लैंग्वेज के पॉइंट्स हैं, अगर आपकी लैंग्वेज सुपीरियर है 20 पॉइंट्स आपको लैंग्वेज के मिलेंगे, 20 पॉइंट्स फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आयर्स 8 इन ईच होगा तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, या ओईटी करें, टॉफिल करें, पीटी करें, कैम्ब्रिज करें, और ये सारे जो है ना इंग्लिश के एग्जाम्स, 5 एग्जाम्स हैं जो कि एक्सेप्ट होते हैं इमिग्रेशन के लिए। अगर आपने ओनली स्किल असेसमेंट करनी है उसके लिए आयर्स है, टॉफिल है और पीटी है, लेकिन अगर आपने पॉइंट्स भी रेस करने हैं तो फिर इनमें से कोई भी एग्जाम आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैलकुलेटर आपको ये बता रहा है कि लैंग्वेज के कितने पॉइंट्स हैं, एक्सपीरियंस के कितने हैं,
लेट्स सपोज मैं दोबारा से इसको रिकैलकुलेट करता हूँ फॉर यू अगेन हियर, मैं क्लास 491 को चूज़ करता हूँ, एज मैं ये चूज़ करता हूँ 25 से 32, और ये मेरे पास 15 पॉइंट्स इसके हैं और 30 एज के और इंग्लिश लैंग्वेज के 20, 65 ये हो गए, और इसके अलावा मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से बाहर आपने काम किया है 15 पॉइंट इसके, ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, और क्वालिफिकेशन में आप आ जाते हैं अगर आपके पास डिग्री बैचलर्स की है, और इसके बाद ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नो करें और इसको भी नो करें, नेक्स्ट आ जाएं कम्युनिटी लैंग्वेज पे, आपने आपने सीसीएल नाटी किया हुआ है तो इसको आप यस करेंगे, पार्टनर पे आ जाएं 10 पॉइंट्स अगर आपके पार्टनर ने इंग्लिश लैंग्वेज में 6 इनिश लिया हुआ है और उनकी स्किल असेसमेंट भी है देन 10 पॉइंट्स, और पार्टनर नहीं आप सिंगल हैं तो 10 पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको आपके प्रोफाइल में ऐड होंगे, अगर पार्टनर ने ओनली इंग्लिश लैंग्वेज किया है स्किल असेसमेंट नहीं है तो 5 पॉइंट मिलेंगे, और आपके पास लेट सपोज आप मैरिड हैं और पार्टनर नहीं है तो यहाँ पे 0 पॉइंट आप ऐड करेंगे, ठीक है, इसको नो कर दें, और आपका जो पॉइंट यहाँ बन रहा है 105 पॉइंट्स बन रहे हैं, ये बहुत अच्छा स्कोर है पीआर लेने के लिए, अगर आप इन फैक्टर्स को मीट करते हैं तो आप स्टार्ट करें, और आपका जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है जो भी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप पोर्टल पे जाके ये चेक करें कि आपकी जो असेसमेंट बॉडी है वो कौन सी है, उस बॉडी से आप अपनी असेसमेंट करवाएं, असेसमेंट करवाने के बाद फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज करें, ट्राई टू अचीव मैक्सिमम स्कोर इन द आईएलटीएस पीटी टॉफिल ओईटी और सीए एंड देन प्लान फॉर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, मैं जितनी भी हेल्प हो सके मैं आपके लिए करूंगा, इस पोर्टल पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा जो जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया यहाँ पे, नाटी के कुछ वीडियोस हैं मेरे पास प्रिपरेशन वीडियोस वो मैं अपलोड करूंगा डिफरेंट वीडियोस में, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, और मैं मेरी हेल्प आपके लिए कंटिन्यू रहेगी, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपकी हेल्प ऐसे ही करता रहूंगा डिफरेंट वीडियोस बना के, थैंक यू सो मच, टेक केयर।